वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, शहनाज सिद्धार्थ, एक का प्रोजेक्ट आता तो दूसरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, मानो उसका खुद का प्रोजेक्ट है। और ये आप लोगों ने बहुत बार देखा भी था, जब भी शहनाज का प्रोजेक्ट आता था सिद्धार्थ हमेशा सपोर्ट करते थे और उसे प्रमोट करते थे। सिद्धार्थ का कोई प्रोजेक्ट होता था शहनाज भी आगे आती थी। इनफैक्ट इंटरव्यूज़ वगैरह या लाइव सेशंस के ज़रिए भी शहनाज अपनी खुशी को जाहिर करती हुई नज़र आई थी जब BBB3 आई थी। और ऐसे में शहनाज का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि दिलजीत दोसांझ के साथ काम करना। और इस प्रोजेक्ट को लेकर शहनाज काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज का ये पहला प्रोजेक्ट सोलो आया और इस प्रोजेक्ट ने जो धूम मचाई है ना, वो वर्ल्ड वाइड हिला। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें बॉलीवुड में भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छा एक रिकॉर्ड सेट किया था जब ये हौसला रखाई थी। और तो और, इस मूवी से जुड़ी एक और गुड न्यूज़ आ गई है। अगर आज शायद सिद्धार्थ होते तो कहीं ना कहीं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता अपनी मोटी पे। जी हाँ, शहनाज कहती थी ना सिद्धार्थ को कुल्लू, तो कुल्लू को कहीं ना कहीं अपनी मोटी पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता, क्योंकि ये मूवी थिएटर में तो धमाल मचा ही रही है। लेकिन अब आपको बता दें ये मूवी Zee5 पे OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। जी हाँ, और उस पर भी आप जो लोग थिएटर में नहीं गए कोविड की प्रॉब्लम या और भी अदर इश्यूज़ की वजह से, वो अब घर बैठ के OTT पे इस मूवी को देख कर इंजॉय कर सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। जी हाँ, तो ये है बहुत अच्छी गुड न्यूज़। तो जल्दी से Zee5 को डाउनलोड करिए और देखना बिल्कुल भी ना भूलें। हौसला रख।